देखते रहिए UBN 08 गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। आज आदिवासी समाज द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में 9 अगस्त को विश्व आदि दिवस को बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें विद्यार्थी, कर्मचारी, अधिकारी, मजदूर एवं किसान आदिवासी वर्ग के लोग सम्मिलित होते हैं। आदिवासी दिवस के अवसर पर संपूर्ण गुना जिले में सार्वजनिक अवकाश घोषित कराने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राशन तो सही मिल रहा है, जो रुपया भी नहीं मिल रहा है। शासन की कितनी योजनाएं चल रही हैं आपको पता है? शासन की योजना और तो नहीं पता। आज मर्जू मजदूरी कार्ड भी नहीं बन रहा है, बड़े बड़े आदमी के साथ क्या बन रहा है, अमरीका चू नहीं बन रहा है। इसकी शिकायत करी आपने कलेक्टर साहब से? करिए क्या, ये बात सुनता ही नहीं है, खुद नहीं सुन रहा। पता है आपको कलेक्टर कौन है? बोला आधा जनता में दूर से देखते हैं और बगल में कौन जाए। वैसे बताइए, आपका जो समाज है काफ़ी लोकित समाज है, शहरी समाज, बहुत अच्छे हैं सब लोग, मेहनती होते हैं, लेकिन क्या ऐसी बात है कि जो पिछड़ापन इतना ज़्यादा है समाज में, क्या पढ़ाई लिखाई का लेवल क्या है और सरकारी योजनाओं का लाभ आप लोग क्यों नहीं ले पाते? जी अभी तक है ना, हमारे यहाँ तक योजनाएँ तो बहुत हैं पर योजनाओं का हमको जानकारी कोई भी नहीं देता है। कैसे आज शिक्षित लोग ज़्यादातर शहरी समाज में रहते हैं और इनके अशिक्षित रहने का भी एक कारण है सर, कि जो ज़्यादातर जैसे कि मध्याह्न भोजन दिया जाता है बच्चों को, और तो उसमें क्या है कि समय बीत जाता है और वो क्या है कि उस मध्याह्न भोजन में रह जाता है, वहाँ की आगे शिक्षा नहीं ले पाता है सही तौर पर, केवल मध्याह्न भोजन तक बच्चे समझते हैं। और हाँ, और छात्रावासों में भी जो व्यवस्थापक होते हैं वो सही से ध्यान नहीं देते हैं, खान पान सही नहीं देते हैं और उन पर देख रेख भी कम करते हैं और समय समय से उनको चेतना नहीं देते हैं कि ताकि समय समय से बच्चा पढ़े। तो अगर उनको शाम सवेरे अगर ध्यान रखें और उनको चेतना दें कि बच्चे लोग पढ़ें। मैंने आपके सामने पूछा, महिलाओं को भी जानकारी नहीं है कई चीज़ों को,